ओके क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर ऑलरेडी लेट. ओके लास्ट क्लास कहाँ हुआ था, क्या तक हुआ था? एन्युटी परपेचुटी. ओके परपेचुटी नहीं हुआ था, एन्युटी हुआ था. ओके लिसन, एक एक सम्स लिखिए जल्दी से. ऑनलाइन क्लास, एम आई ऑडिबल? नेहा? यस सर. ओके ओके मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा ड्रैग नहीं कर रहा हूँ. जो इम्पोर्टेंट है, जो रिलेवेंट है इन्फॉर्मेशन है वही लिखवा रहा हूँ. ठीक है, लिखिए. इंस्टॉलमेंट अमाउंट ₹20,000. इंस्टॉलमेंट अमाउंट ₹20,000. इंटरेस्ट रेट 7%. नंबर ऑफ ईयर्स 4. क्वेश्चन नंबर वन नीचे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी? If the annuity is invested at the end of each year. लिसन, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा समझ देता हूँ. ठीक है, देखिए मेरा पर्पस टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको सिखाना ये नहीं है सर. ए इज इक्वल्स टू पी 1+i का पावर में n. ठीक है, मुझे ये बताना है कि सर आज का डेट में अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो सर आपको फील आना चाहिए इसका. ठीक है, सर ये क्या लिख के करेंगे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं लिख के करने का. कैलकुलेटर से टाइप करेंगे, आंसर निकालेंगे, पुट करेंगे, चले जाएंगे आगे. सर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, लिख के करेंगे. 5 नंबर का है, एकदम बड़ा बड़ा लिख के करेंगे. इट्स ऑल अबाउट मार्क्स. जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स उतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन के संग करेंगे, नहीं तो कैलकुलेटर जिंदाबाद. ठीक है, नेक्स्ट. मैंने पूछा, देखेंगे, लिखने का टाइम बहुत है. अगर मैं कुछ नहीं लिखवा पा रहा हूँ तो YouTube में भी है, आप YouTube से देख के लिख सकते हैं. प्लीज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग rather than राइटिंग द थिंग्स इन विच इज रिटन इन द बोर्ड. आप लोग घर पे भी लिख सकते हैं क्या लिख रहे हैं. मैं बहुत ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ और डिक्टेट जो करता हूँ ऑलरेडी आप लोग को लिखवा के डिक्टेट करता हूँ. ठीक है, लिखने पर प्रेशर मत देना कि लिखना होगा मुझे बोर्ड पर. आप घर जाएंगे, YouTube पर अपलोड है, वहाँ से भी लिख सकते हैं. ठीक है, समझने में प्रेशर देना. मैंने सम्स दिया है, देखिए कितना साल, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 1, 2, 3, 4, यहाँ ज़ीरो खड़ा है. हम लोग कहाँ खड़े हैं? ज़ीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम में. ठीक है, एन्यूटी कितना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 20,000. क्या एंड ऑफ द ईच मंथ या बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ? एंड ऑफ ईच ईयर, ऑब्वियसली एंड ऑफ ईच ईयर. ठीक है सर, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो पहला मेरा 20,000 कहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, कि कौन सा पीरियड पे? यहाँ पे मैं यहाँ ज़ीरो पे खड़ा हूँ, और मैंने लिखवाया सर उसमें एंड ऑफ ईच ईयर. तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कहाँ खड़ा, कहाँ पे गया होगा? यहाँ पे यार, यहाँ पे
जरूरत पे तो मैं खड़ा हूँ, पहला इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ ईच ईयर वंथ में, ये इसको अगर मैं फर्स्ट अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल मान लो 2022, तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट तो यहाँ गया होगा ना, यहाँ पे गया होगा ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा एंड ऑफ ईच ईयर, ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन ये फ्रेम करता एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, तो यहाँ पे खड़ा रहता मेरा पहला इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 25,000, 25,000, 25 बोला था ना मैंने, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, क्या बोला है निकालना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कहाँ का प्रेजेंट वैल्यू, ऑब्वियसली यहाँ का, टर्न पुल करके यहाँ ना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या आना चाहिए सर, पुल करना आना चाहिए, हर हर चैप्टर का, जितना चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल ईच एंड एवरी चैप्टर हैव सम रेलिवेंस, टाइम वैल्यू में पुल करना आना चाहिए, पुश करना आना चाहिए, सर मेरा पैसा यहाँ खड़ा है, बोलते बताइए मुझे कहाँ पुश करना है, 6 साल बाद का पावर में 6 इक्वल टू ऊपर में 7 आना जाना चाहिए, ठीक है सर, मेरा अगर मैं कहाँ खड़ा हूँ 5th ईयर में, अब मेरा पैसा कहाँ हमको टर्न के लेके जाना है, 0 में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/1 + r का पावर में 5 बोला था ना कि 6 बोला था, 5th ईयर में 5 को पुल करके इधर लेके आना, टाइम वैल्यू का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिलेवेंस ही है सर, जो a = p, a = p 1 + i, 1 + i का पावर में n, इसका क्या रिलेवेंस है सर, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, अननेसेसरी का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला अपने आप को फॉर्मूला पे मत बाउंड कीजिए, कुछ कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग द कैश फ्लोज, ओके सर। ये बताओ क्या है सर, इसको तो हम ये लिख सकते हैं ना, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर में 1, देख लीजिए, सेटिस्फाई कीजिए, कर सकते हैं कि नहीं, आंसर निकालिए क्या आ रहा है, आंसर निकालिए क्या आ रहा है, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 + एक मिनट, मैं इसको थोड़ा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड 1.07 का पावर में 1, यही तो था, कितना आ रहा है, 18,691.5, ठीक है सर, वो वही था, अब फिर इक्वल टू दबाइए क्या आ रहा है, ये आपका आएगा 20,000 का पावर में 1.07 का पावर में 2, मतलब ये फिर इक्वल टू दबाइए कितना आ रहा है, बार बार करके लिखना नहीं होगा, एक बार दबाइए उसके बाद इक्वल टू करके आ जाएगा, बताइए 17,468, हम डेसिमल हट छोड़ते हैं, ठीक है, डेसिमल को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, फिर इक्वल टू, ये आप क्या लिख रहे होंगे, 20,000 डिवाइडेड बाई 1.07 का पावर में 3, 3 समझ रहे होंगे आप, कहाँ से लेके आ रहे हैं ये 3 से पुल कर रहे हैं, क्या आ रहा है 16,325, फिर 20,000 डिवाइडेड बाई 1.07, 15,000, 5.5257, ठीक है, राउंड राउंड ऑफ को इग्नोर करते एक बार, हाँ तो ये कितना आ रहा है टोटल सर, टोटल करना होगा ना, सारा सारा कैश फ्लो को पुल करके टोटल करना पड़ेगा, तब पता चलेगा क्या सर मेरा 20,000 जो आने वाला है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं 20,000 रुपये आने वाला है सर, आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है, अंडरस्टैंड, मैं 20,000 जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आने वाला है, वो आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है, क्या है,
67,741 डेसिमल को इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है, डेसिमल को इग्नोर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या है सर? मेरा जो फ्यूचर वैल्यू आने वाला, फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला पुल कर रहे हैं, फ्यूचर में आने वाला पुल कर रहे हैं सर। अगर मेरा अगर मुझे यहाँ पे ले जाना होता फोर्थ में, तो ले जाते क्या, ले जा पाते क्या? अगर मुझे फोर्थ बोलता, अगर बोलता हूँ फोर्थ पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आ रहा है, तो ले जा पाते क्या कि नहीं ले जा पाते? अरे भाई ले जा पाते, क्यों नहीं ले जा पाते? अभी पीवी करके आए, फिर एफवी कर देंगे, अभी पीवी करके लेके आए फिर एफवी कर देंगे। सर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, प्ले करना पड़ेगा पीवी एफवी, पीवी एफवी से, अंडरस्टैंड? कैलकुलेटर में करते हैं इसको, कैलकुलेटर में क्या बताए थे सर आपका 20,000 इंटू PVAF, PVAF stands for present value annuity factor. किसी को लिखना है तो ये लिख लीजिए, because मैं हर क्लास में नहीं लिखाऊंगा और ये ज़रूरत भी नहीं है। किसी का curiosity आता है कि सर ये क्या है PVAF, तो present value annuity factor, PVAF कितना परसेंट? 7%, कितना ईयर? 4 years, मतलब सर जितना भी आपका एन्यूटी फैक्टर है, जितना भी एन्यूटी है, कितना का एन्यूटी है, 20,000 का एन्यूटी, सर प्रेजेंट वैल्यू बताइए क्या रेट से? 7%, कितने साल का? 4 साल का। समझ में आ रहा है सर ये क्या लिखा हुआ है? ये फर्दर सम्स में काम आएगा, बॉन्ड पढ़ेंगे काम आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काम आएगा, अंडरस्टूड? लिखिए, उठाइए कैलकुलेटर, उठाइए, 1 divided by 1.07 इक्वल टू कितने बार? जब तक ऊपर 6 नहीं आ जाए, 4 बार, ऑब्वियसली 4 बार इक्वल टू दबाएंगे और ऊपर में 6 आएगा, 4 बार इक्वल टू दबाएंगे ऊपर में 6 आ जाएगा, 1 divided by 1.07, 4 बार इक्वल टू दबाएंगे ऊपर में 6 आ जाएगा, आ रहा होगा आपका कितना? आ रहा होगा 0.76289, जो भी हो, ठीक है सर ये, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड? ये सर कोई, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये कितने बार दबाए हैं? 4 बार पुल किए, 4 बार। अगर इसको हम 20,000 से इंटू करेंगे कौन सा वैल्यू आएगा? लास्ट ईयर वाला। लेकिन हम जीटी करेंगे, जीटी प्रेस कीजिए, जीटी कितना आ रहा है? 3.3872 इंटू 20,000 कितना आ रहा है? ये 67,444, ठीक है, 67,444 से सेम आंसर है ये, ठीक है, फ्रैक्शन का डिफरेंट है, फ्रैक्शन का डिफरेंस है सर। मैंने क्या किया, सारा पुल करके ग्रैंड टोटल किया। आपको अगर दिख नहीं रहा ना तो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको कंफर्ट कराना चाह रहा हूँ पीवीएफ से, ठीक है, मैं आपको कंफर्ट कर रहा हूँ। 1 divided by 1.07 कितना आ रहा था? 0.93, देखिए आप यही इसी का 0.93 कर रहे हो, तो 0.9345 दिख रहा है आपको? 1 divided by 1.07 दिख रहा है क्या? आप तो इसी को 20,000 से इंटू करके ये लेके आए हैं, आपने 20,000 को इंटू किया है इससे, तो ये आया है कितना? 18,692, जो भी हो, 692, 691, राउंडिंग ऑफ, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको ये इंटू किया है 0.8734, दिख रहा है आपको? फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको इंटू किया है 0.8163 और इसको इंटू किया है 0.762,
28, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और सबका टोटल क्या आ गया था? 3.3872। दिख रहा है आपको? ये सेटिस्फाई हो रहा है सर? ये सेटिस्फाई हो रहा है? ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में? ओके सर, मैं क्या कर रहा हूँ सर, आपको पुल कर रहा हूँ सर, ये कैश फ्लो दिखाने के लिए है, ठीक है? ये कैश फ्लो दिखाने के लिए है कि ये एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाना है सर। एग्ज़ाम में कैसे बना, अभी बना देता हूँ एग्ज़ाम में कैसे बनाना है, ठीक है? ये तो ये कैसे, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चले सर पुल कर रहा है मैं, यहाँ पे पुल कर रहा है। ये कैसे बनाना है? जब आपका एक नंबर का सम्स हो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज एन्यूटीज, पुल कर दो डायरेक्ट उसमें पी वी ए एफ, यहाँ पे इक्वल टू जी टी इंटू ये आंसर, टेक आगे बढ़ो। अंडरस्टूड? उसके लिए तो बड़ा टेबल नहीं बनाएंगे ना एक नंबर के लिए। और तीसरा कैसे बनाना है, पांच नंबर का सवाल नीचे लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, पांच नंबर के लिए कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटीज। पहले में ईयर्स, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 7%, नहीं इंटरेस्ट फैक्टर, और ये पीवी, ये वाला ए, ये वाला बी, ये सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सॉरी ए इंटू ए इंटू बी। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में सर? जी क्या लिखें? 0, 1, 2, 3, 4। जीरो में क्या था? कुछ नहीं, जीरो में कुछ नहीं था। ये नहीं भी लिखता तो चलता, ये 25,000, लेकिन ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा अभी पता चलेगा रिलेवेंस, ठीक है? 0, 25,000, क्या हेल्प कीजिए? ओह 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ये बताओ। जीरो पॉइंट 9346, 0.8734, 0.8163, 0.7628। अंडरस्टूड? 8 नहीं 9 कर देते हैं, इंटू 15,257.90। इसका हेल्प कीजिए थोड़ा, कैश फ्लो मुझे 10,000 देना चाहिए था। जल्दी हाथ फास्ट होना चाहिए कैलकुलेटर में एकदम। आप जो कैलकुलेटर अभी यूज़ कर, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन दिख रहा है रिवाइड कैसे सर? 20,000 इंटू 1.07 का पावर में 1, ऐसे हो रहा था, ठीक है? थोड़ा हेल्प कीजिए, 18 नीचे
पहला 18,692, फिर 17,468, 16,226 टोटल, क्या आ रहा टोटल? 258 ये वाला। अच्छा ठीक है, 57 लिख जाते, 58 कर दो भाई, कोई बात नहीं। ये क्या आ रहा है? 67,444। अंडरस्टूड? कैसे सर पांच नंबर का सवाल करना है टेबल बना के? अंडरस्टूड? पांच नंबर का सवाल टेबल बना के करना है। हो गया? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्या है सर? कुछ कर नहीं रहे हैं, कैलकुलेशन ही है। बड़ा सम्स के लिए बड़ा कर रहे हैं, छोटा सम्स के लिए छोटा कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके हाँ सर। लिखिए, कैलकुलेटर पे करना है प्लीज, अगर कोई यूज मत करना। ये पिक्चर हम लोग बार हमेशा नहीं देखेंगे, पिक्चर बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में इसको निकालिए क्या आ रहा है। पी वी ए एफ 10,000, पी वी ए एफ 10,000, 5% 8 ईयर्स, पी वी ए एफ 10,000, 5% 8 ईयर, क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? सर आप आराम से निकाल लेंगे, मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। पी वी ए एफ 10,000, 5% 8 ईयर, कोई नहीं कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। एवरी वन मस्ट डू एंड पार्टिसिपेट। आप कर रहे हैं 1 / 1.05, वन कोई नहीं कर रहा है तो मेरे साथ आइए। 1 / 1.05 इक्वल टू करके लेके जाएंगे, 8 ईयर्स है, ऊपर में कितना आना चाहिए? 10, ऊपर में 10 आना चाहिए। सिंस पी वी ए एफ है, यहाँ देखिए पी वी एन्यूटी, एन्यूटी मतलब जोड़ना पड़ेगा सब कुछ, जोड़ने के लिए जी टी, जोड़ने के लिए जी टी आ रहा है आपका 6.4632, तो आ रहा है 64,632, 64,632। इट विल बी वेरी गुड अगर कोई घर पे निकाल रहा है। चलो निकालते हैं, 8,000 5% 3 साल, 8,000 5% 3 साल, कोई घर पे निकाल रहा है तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा होगा। और छोटा छोटा ईयर निकालने में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मेरा जो आंसर निकल रहा है सही निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज, एक फॉर्मूला लिखाया था याद है, अगर इंस्टॉलमेंट दिया हो तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, इंस्टॉलमेंट दिया हो तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा लिखवाया था। क्या था फॉर्मूला? पी वी बाई एफ वी, सॉरी पी वी बाई इंस्टॉलमेंट, पी वी का भी लिखवाया था, एफ वी भी लिखवाया था, पी वी भी लिखवाया था, एफ वी भी लिखवाया था भाई। पी बाई इंस्टॉलमेंट, हेल्प कीजिए थोड़ा, 1 - 1/1 I का पावर में N का पावर में I, ये था याद है। इस पर एक बार पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, इस पर एक बार पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट आपका क्या है? 20,000, इंस्टॉलमेंट 20,000 था ना। 1 -
1/1.07, मुझे कलर चेंज करना चाहिए था, 1.07 का पावर में क्या था, 4, 4 × 0.07 यहाँ पे पीवी होगा, तो पीवी इज इक्वल्स टू निकाल देंगे, पहले पहले इसको सॉल्व करेंगे ये बड़ा वाला को, 1/1.07 इक्वल टू 6 बार -1 ये आ जाएगा आपका, प्लीज अपना कीजिएगा, हो सकता है मेरे ही गलत हो कैलकुलेशन, क्या आ रहा है पीवी, आ रहा है क्या, प्लीज कोई एलसीएम मत लेना, कोई एलसीएम मत लेना, बहुत जन को देखिए एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, एलसीएम आपके पास कैलकुलेटर है, डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा, देखिए सेम आ रहा है, अंडरस्टूड, देखिए मैंने एक सम से कितना कितना टाइप से किया हुआ है, ठीक है, एक सम्स को कितना टाइप से किया हुआ, 4 टाइप से किया है, डिपेंड करता है कि साहब आपका एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स कितना दिया हुआ है सम्स का, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है, नीचे लिखिए नोट, नोट नीचे लिखते हैं नोट, लुक लुक इन ऑल द अबव, लुक इन ऑल द अबव 4 टाइप्स, इन लुक इन ऑल द अबव 4 मेथड्स, ऐसे लिखे मेथड्स, आंसर इज इक्वल, बट द लास्ट फॉर्मूला and the last formula and PVAF, the last formula and the PVAF will only apply, the last formula and PVAF will only apply if the cash flows are invested at the end of each year. If the cash flows are invested at the end of each period, if the cash flows are invested at the end of each period, understood? Sir, एक problem है PVAF में और ये formula पे, ये formula क्या problem है, अगर question में beginning of the period बोल देगा ना, तो PVAF में थोड़ा adjustment करना पड़ेगा और इस फॉर्मूला से यह आंसर नहीं आएगा, मैंने चारों फॉर्मूला से एक ही आंसर निकाला है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर बोलेगा ना तो इस फॉर्मूला से यह आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट है बताते हैं, नीचे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द सेम प्रॉब्लम अबव, consider the same information above, consider the same information above, find the present value, find the present value, consider the same information above, find the present value of annuity if the cash flows are invested, if the cash flows are invested at the beginning of each year, if
The cash flows are invested at the beginning of each year. Understood क्या डिफरेंस है सर? एग्जाम में आएगा बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, आंसर डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? डिफरेंट आएगा, तभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सेम आता तो अकाउंट्स हो जाता, सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट विच अकाउंट्स डज नॉट स्पीक। अंडरस्टूड? लिसन, हेल्प कीजिए मेरा थोड़ा, हेल्प कीजिए। जीरो वन टू थ्री फोर, कहाँ पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? जीरो पे ऑब्वियसली। 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, यहाँ भी 20,000 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दिस लाइन इम्प्लाइज एंड। अंडरस्टूड? दिस लाइन इम्प्लाइज एंड। यहाँ पे बिगनिंग में कर दिए, फिर यहाँ का बिगनिंग में किए, यहाँ का बिगनिंग में किया, यहाँ का बिगनिंग में किया, यहाँ का बिगनिंग है ही नहीं, यहाँ तो एंड हो गया 31 दिसंबर। अंडरस्टूड? ये 31 दिसंबर। ओके, अब बताइए इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके आना है। क्या बोलूँ यहाँ पे? 20,000 इंटू 1.07, वन पॉइंट जीरो सेवन का पावर में वन। अंडरस्टूड सर? आपका किया हुआ है, स्ट्रेस लेने का बात नहीं है, किया हुआ है ना? ये वाला 20,000 इंटू 1.07 का पावर में टू, और ये 20,000 इंटू 1.07 का पावर में थ्री। अंडरस्टूड? चौथा में कुछ नहीं है बिकॉज बिगनिंग ऑफ द ईयर है। क्या होगा इसका बताइए तो, बताइए। आपके आपके कैलकुलेटर करने की ज़रूरत नहीं है, बुक कॉपी में लिखा हुआ है। पहला कैश फ्लो क्या था? कितना? 18,692। ये बताइए दो, दूसरा दूसरा बार पुल में 17,468, 16,326। बताइए क्या आ रहा है? क्या क्या ऐड कर रहे होंगे आप? तीन कैश फ्लो या चार कैश फ्लो? चार कैश फ्लो, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम। आप कितना ऐड कर रहे होंगे? चार कैश फ्लो, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन द जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द फर्स्ट कैश फ्लो इटसेल्फ इज स्टैंडिंग ऑन द जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आ रहा बताइए? कितना? 72,486। अंडरस्टूड? क्या आ रहा है? ओके सर, दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या था? पीवीएफ वाला है कि नहीं? अच्छा, इसका ये बता दीजिए तो क्या है? वन, ये तो आपको पता था ना, 1/1.07 क्या था? देखिए आपका टेबल पे लिखा होगा 0.9346। इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ना, ये बता दो क्या है? 0.9346। ये बताइए तो, ये बताइए तो, 0.8163। अंडरस्टूड? क्या आया है इसको देखते हैं। पीवीएएफ,
आप लोग के पास पेन नहीं है क्या दूसरे कलर का? मेरे पास तो है। 20,000 इंटू पी वी ए एफ कितना साल? 7%, 4 ईयर्स। कोई 3 ईयर्स मत बोलना प्लीज, अंडरस्टूड? कोई 3 ईयर्स नहीं बोलना। करते हैं, कीजिए। वन डिवाइडेड बाई कर रहे होंगे, वन डिवाइडेड बाई धीरे धीरे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 क्या आ गया? 0. ये वाला आ गया होगा, ठीक है। फिर इक्वल टू ये वाला, ये आ गया होगा। फिर इक्वल टू ये आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, जी टी 2.624। क्या नहीं हम इसमें ऐड किए? ये वाला प्लस 1.07 कितना? नहीं, एक मिनट एक मिनट, पहले क्या किया? ये फिर जीटी किए थे क्या? जीटी क्या आ रहा था? 3.2.61 प्लस जीटी तो टोटल हो गया ना, तो टोटल में तो एक एक फैक्टर को और टोटल ही करेंगे ना, इनटू तो नहीं कर सकते। प्लस 1.07 कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 3.694 क्या आ रहा है? वन, अच्छा वन आएगा, वन आएगा, सॉरी सॉरी। ये बताइए तो, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या आ रहा है? वन वन करना था, सॉरी 1.07 नहीं, ये आ रहा है 3.694 माइनस 1. प्लस 3.624 इंटू 20,000 72,480। सॉरी, सेवेंटी टू 480। अंडरस्टूड? क्या किए हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1.07 ये आया, प्लस फिर इक्वल टू ये आया, फिर इक्वल टू ये आया। सर ये इन इन सब का तो डिस्काउंटिंग हो गया, इसका तो डिस्काउंटिंग का जरूरत नहीं था ना, वो तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम में खड़ा था, तो प्लस वन, ठीक है। लिख इसका स्ट्रोक लिख लेते हैं, कैलकुलेटर स्ट्रोक, कैलकुलेटर स्ट्रोक फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड, कैलकुलेटर स्ट्रोक फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, कैलकुलेटर स्ट्रोक ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, सॉरी ईच पीरियड, नॉट ईयर। इट मे बी ईयर, इट मे बी मंथ, इट मे बी वीक, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। पहला हम लोग क्या कर रहे होंगे? पहला स्ट्रोक पहले देख लीजिए, फिर लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 1.07 क्या आ रहा होगा? 0.9346, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रोक इक्वल टू, फिर क्या आ रहा होगा? 0.8734। फिर तीसरा स्ट्रोक इक्वल टू क्या आ रहा होगा? 8.63। ये फिर क्या करना है? जीटी, फिर क्या करना है? जीटी, फिर जीटी करके, विद जीटी करने के बाद क्या आ रहा होगा? हाँ, 2.6243, फिर प्लस वन, वाई प्लस वन
फॉर द फर्स्ट कैश फ्लो. वाई कैप प्लस वन फॉर द फॉर फर्स्ट कैश फ्लो. ठीक है, दिस वन फॉर सेकेंड कैश फ्लो. अंडरस्टूड? दिस वन फॉर थर्ड कैश फ्लो. दिस वन सॉरी दिस वन फॉर फोर्थ कैश फ्लो. दिस वन सम टोटल ऑफ सम टोटल नहीं ग्रैंड टोटल. जब जी टी लिखा है तो अपने मन से हम सम टोटल क्यों लिखें? ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल अबव कैश फ्लोज. एंड दिस वन फॉर फर्स्ट कैश फ्लो. ये बताओ ये क्या आ रहा है? 3.6243. कैलकुलेटर स्ट्रोक फॉर प्रैक्टिस. कोई कर रहा है बिगनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में इतना झमेला नहीं है प्लस वन करने का. ठीक है, ओके. नीचे लिखिए सेम टोन पे. मेथड कितना? थ्री. थर्ड मेथड, ठीक है, थर्ड मेथड क्या था ऊपर? हाँ, बिगनिंग ऑफ द ईयर. थर्ड मेथड क्या था? क्या लिखवाया था मैंने? क्या लिखवाया था मैंने? टेबल शोइंग क्या था? किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा था, प्लीज थोड़ा पिंच करना वहां पे कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है. जो मैंने बनाया वो ड्राइंग की तरह कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, क्या था टेबल? वो घर पे बना लीजिएगा. वो घर पे बना लेना. टेबल शोइंग क्या था? क्या टोन था वो? टेबल शोइंग मैंने क्या बताया था? टेबल शोइंग नहीं नहीं मैंने कंप्यूटेशन ऑब्वियसली. टेबल शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी. उसके बाद टेबल शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी इफ इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. इफ इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ऑब्वियसली नहीं भी लिखने से समझ में आता. अगर मैं जीरो में 20,000 लिख दूंगा तो अंडरस्टूड. अगर मैं जीरो में 20,000 लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा. नो टीचिंग रिक्वायर, नो स्टेटमेंट रिक्वायर. समझ में आ जाएगा कि बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर है क्योंकि जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में एक 20,000 खड़ा है मेरा वहां पे. अंडरस्टूड? घर पे बनाएंगे, आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, बैक कैलकुलेशन करके सेम लेके आना नहीं है. ठीक है, ओके, लिखते हैं एन्यूटी. नीचे एन्यूटी नहीं सॉरी परपेचुटी. सेक्शन 4 परपेचुटी. सब परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी लिसन से आई इन्वेस्टेड इन डिबेंचर. कंपनी इशू अ डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर. व्हाट हैपेंस नॉर्मली, कंपनी इशू अ डिबेंचर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. इट मे बी 20 years, इट मे बी 10 years. आफ्टर 10 years कंपनी रिडीम दैट सच डिबेंचर. से मैंने डिबेंचर मतलब क्या? कंपनी का लोन. मैंने उस दिन बताया था ना सर, लोन होता है बैंक में 9% मिल रहा है. मैंने डिबेंचर 7% पे फ्लोट कर दिया. मेरा रिपुटेशन अच्छा था, सब्सक्राइब हो गया.
रिलायंस को बैंक लोन देने के लिए रेडी है कि नहीं है? रेडी है, बिकॉज ऑफ मार्केट कैप, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। ठीक है, मार्केट में रेपुटेशन है, रिलायंस का शेयर ट्रेड कर रहा है ऑन हाई वैल्यू, अंडरस्टूड? तो बैंक देने के लिए रेडी है, कितना? 10% में। ठीक है, कोई ऐरा गैरा जान के बैंक में गया, बैंक में लेने के लिए, पहले तो बोला बैंक कि नहीं दूंगा, दूसरा क्या बोलेगा, दूंगा तो 12% पे दूंगा। बट वाई द बैंक इज गिविंग लोन टू रिलायंस एट लोअर कॉस्ट? बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन, अंडरस्टूड? तो अगर बैंक में जाने से पहले रिलायंस ने ट्राई किया कि चलो 10% तो बैंक देने के लिए रेडी है, मार्केट से पैसा उठाते हैं, ऑब्वियसली मार्केट से पैसा कम में उठाएगा कि ज़्यादा में उठाएगा? कॉमन सेंस, कम में उठाएगा कि ज़्यादा में उठाएगा? कम में उठाएगा भाई। 10 का अगर लोन देने के लिए रेडी है, सुनिए, 10 का लोन देने के लिए, 10% ब्याज पे अगर बैंक लोन देने के लिए रेडी है, तो मार्केट से 12% में क्यों उठाएगा, 11% में क्यों उठाएगा, इवन 10 में क्यों उठाएगा? क्योंकि मार्केट मार्केट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा रेगुलरिटीज से भी से मार्केट से पैसा उठाने में है या बैंक से पैसा उठाने में है? मार्केट से। यू आर सब्सक्राइबिंग, यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक। 10 तरह का फॉर्म है, 10 में भी नहीं। मैं बोलूंगा कि मार्केट से, अगर मुझे मार्केट से 9% में उठ रहा है तो मार्केट से जाऊंगा, नहीं तो 10% में उठ रहा है तो बैंक से लूंगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, 10% से होगा तो भी मैं लूंगा आपका बैंक से। बैंक ने 9% उठाया तो बैंक ने क्या बोला? बैंक ने बोला ये रहा डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? एक तरह सर्टिफिकेट ही है, एक तरह का सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, शेयर्स नहीं है। वी विल कम टू इट, क्या है डिबेंचर, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, व्हाट इज इररिडीमेबल डिबेंचर, वी विल कम टू इट। मतलब कि मार्केट में बोला कंपनी ने मार्क में बोला कि डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, एज अ लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज परचेज दिस डिबेंचर। परचेज मतलब मेरे से परचेज कीजिए और पैसा दीजिए, इज अ टाइप ऑफ लोन, इज अ टाइप ऑफ लोन, पैसा दीजिए, पैसा देने के बाद मैं 20 साल में रिटर्न कर दूंगा, दैट्स कॉल्ड रिडीमेबल, रिडीम, इट्स कॉल्ड कंपनी वापस फिर ले लेगा, आपने जो परचेज किया है कंपनी से वापस आपसे खरीद लेगा एट लोअर रेट और हायर रेट, हायर रेट क्यों देंगे? कौन एक्चुअली क्या होता है ना, ये शेयर्स में होता है। अगर शेयर्स इशू किया है कोई कंपनी विच इज़ ट्रेडिंग एट 114, विच इज़ ट्रेडिंग एट इन द मार्केट 114, अब कंपनी बोल रही है कि भाई मुझे मेरा शेयर वापस दे दो, पॉसिबल? मुझे मेरा शेयर मार्केट, कंपनी इसको क्या बोलती है, बायबैक, कंपनी बायबैक लेके आ रही है, तो ऑब्वियसली 114 में देगी या बोलेगी 120 में ले ले भाई, 120 में। अगर 120 में तो वाई नो नॉर्मल पीपल विल गो एंड सेल द शेयर, क्यों नहीं करेंगे? 114 में भी तो नहीं करेंगे, मेरा मन 120 में तो दिखेगा, हाँ कर सकते हैं, हो सकता है 120 में 10% रेडी हो जाए, 140 में पूरा 100% रेडी हो जाए। उनको ऐसा लग रहा है, शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि 140 होते तो 3 साल हो रहा है, 3 साल होगा, शेयर का पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है, 3 साल होगा, मुझे अभी 140 मिल रहा है, व्हाट विल यू प्रेफर, अभी मिलना ज़्यादा अच्छा या बाद में मिलना ज़्यादा अच्छा? अभी मिलना ज़्यादा अच्छा, व्हाट विल प्रेफर, अभी पेमेंट करना ज़्यादा अच्छा है कि अब बाद में पेमेंट करना ज़्यादा अच्छा? बाद में पेमेंट करना ज़्यादा अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अंडरस्टूड? क्योंकि अभी जो मिलेगा इट इज़ वर्थ वर्थ मोर देन बाद में जो मिलेगा, अंडरस्टूड? तो डिबेंचर है, डिबेंचर जब होता था कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 20 साल का डिबेंचर है, 20 साल बाद कंपनी रिडीम कर लेगी, 20 साल बाद आई कंपनी लेके चली गई, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है? वेयर कंपनी टेल्स कि मैं तुमको जिंदगी भर दूंगा इंटरेस्ट, नो रिडेम्पशन। प्रेजेंटली ये मार्केट में बंद हो गया है, प्रेजेंटली कंपनी डज नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर, लेकिन कैलकुलेशन है हम लोग के सम्स बुक में तो करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या बोल रहा है कि इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल मतलब कि इंटरेस्ट,
से इंटरेस्ट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 फॉर एवर, 10,000, 10,000, 10,000 फॉर एवर, अगर 10,000, 10,000, 10,000 फॉर एवर है, सुनिए, 10,000, 10,000, 10,000 फॉर एवर है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी, परपेचुटी, सॉरी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी, 10,000 डिवाइडेड बाई आई, परपेचुटी अमाउंट डिवाइडेड बाई आई, सर दे सुनिए, मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे दस, मुझे इंटरेस्ट रेट 10% चाहिए था भाई, मुझे तो इंटरेस्ट रेट 10% चाहिए, मतलब हर साल मुझे कितना चाहिए, 10% चाहिए, और हर साल मुझे कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 10,000 कितना, 10,000 बाई डिवाइडेड बाई 10, 10,000 डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल्स टू क्या, 1,00,000, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कितना है, 1,00,000, ठीक है, से से फॉर अ ग्रोइंग एन्यूटी, फॉर अ ग्रोइंग एन्यूटी, एन्यूटी इज ग्रोइंग एट 2%, से एन्यूटी इज ग्रोइंग एट 2%, मैंने बोला कि एन्यूटी प्रैक्टिकल लाइफ में अब नहीं होता, लेकिन सम्स है तो कर रहे हैं, ठीक है, एन्यूटी इज ग्रोइंग एट 2%, तो कुछ कोई चीज़ अगर ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ग्रो होगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, सर उसका होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 8%, क्यों सर, 10,000, 10,000, 10,000 मुझे मिल रहा है, सुनिए, 10,000, 10,000, 10,000 मुझे बोला, और हर साल कितना ग्रो कर रहा है, 2% से, तो मुझे जो मिल रहा है वो, मुझे तो 10,000 10% चाहिए था, लेकिन मुझे मेरा ग्रोथ है अभी, हर साल मुझे पता है 2% 2%, तो मुझे अभी एक्चुअली में कितना चाहिए, 8% ही चाहिए ना, अंडरस्टूड, मुझे 8% ही चाहिए अभी आज का डेट में, क्योंकि मुझे पता है कि 8% मांगूंगा तो 2% का फिर ग्रोथ आ जाएगा, मुझे मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा 10%, ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ लेस करना पड़ता है, कितना आ रहा है, वन लैख 25,000, अंडरस्टूड, ठीक है, हम लोग यहीं रखते हैं आज इसको, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास प्लीज़ आइएगा, फ्रेंड को बोलिएगा आने के लिए, और मैं ट्राई करूँगा कि चैप्टर ये TVM ख़त्म करूँ, नेक्स्ट क्लास TVM ख़त्म होगा, मैंने सम्स दिया है जो उसमें आपके ग्रुप में, प्लीज़ सम्स कर लेना, प्रैक्टिस सम्स है, पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है, सारा सम्स कर लीजिएगा, जो सम्स मैंने नहीं करवाया सारा डाल दिया है, जो करवाया वो भी डाल दिया है, रेट्स एंड रिटर्न से भी डाला है, TVM से भी डाला है, रेट्स एंड रिटर्न वाला सम्स छोड़ देना, ठीक है, रेट्स एंड रिटर्न वाला सम्स छोड़ दीजिएगा, और एन्यूटी वाला कर लीजिएगा, एन्यूटी और TVM वाला कर लीजिएगा, ठीक है, मैं एन्यूटी नेक्स्ट क्लास फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और ख़त्म करेंगे।